मेरे साथ बाहर निकलना तो आप गवारा नहीं करते, और जब मैं नौकरी ढूंढने निकली तो जब आपकी बीवी आपकी इज्जत बन गई, मुझे आपकी दी हुई खैरात नहीं चाहिए, मैं अपने घर वालों को खुद सपोर्ट कर लूंगी। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। आपको पता है जिस कंपनी में आप नौकरी के लिए गई थी वहां पे मैं बहुत बड़ी डील लॉक करके आ रहा हूँ। मेरे जॉब इंटरव्यू से आपकी डील का क्या ताल्लुक है? मुझसे तो आपका ताल्लुक है। अच्छा, मेरा और आपका ताल्लुक है, हमारा कोई रिश्ता है? शायद आप भूल रही हैं, आपके नाम के बाद मेरा नाम लगता है। और आप क्यों नहीं समझ रही बात को, आप वो नौकरी नहीं कर सकते। और मैं कितनी बार आपको बताऊं कि वो जॉब मेरी जरूरत है, मेरे घर वाले परेशान हैं। क्या जरूरत है बताएं, क्या जरूरत है? मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहिए उन्हें, किसी चीज की जरूरत है? What? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, अपने घर वालों की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। ओके, इधर आओ, बैठो। देखो मेरी बात सुनो, इस शहर में लोग मुझे जानते हैं, जो तुम्हारी तालीम है उस पर तुम्हें एक सेक्रेटरी या एक पीए से ज्यादा कोई नौकरी नहीं देगा। और ये बात मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरी बीवी ये कितनी मामूली सी नौकरी करे। जो शख्स वहां पे आया था मेरे साथ, उस कंपनी का मालिक था। कितना ऑफ लगता अगर उसको पता चलता कि तुम मेरी बीवी वहां पे पीए की नौकरी के लिए गई। आपकी किसी चीज को हाथ लगाने का हक नहीं मुझे, मेरे साथ बाहर निकलना तो आप गवारा नहीं करते, और जब मैं नौकरी ढूंढने निकली तो जब आपकी बीवी आपकी इज्जत बन गई, मुझे आपकी दी हुई खैरात नहीं चाहिए, मैं अपने घर वालों को खुद सपोर्ट कर लूंगी। और मेरी नजर में मेरी मामूली सी नौकरी के चंद हजार आपके दिए हुए पैसों से बेहतर हैं। आप ये नौकरी नहीं कर सकती। मुझे नौकरी करनी है बासित। आयशा आप ये नौकरी नहीं कर सकती, बात खत्म। आपका तो मकसद पूरा हो गया। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।